राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखते हैं आज की जो ये मेरी रीडिंग है ये इस बात पर है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जहां पर चीजें अजीब सी मुझे नजर आई और जो एनर्जी है वो बहुत ही बिखरी हुई और अलग से थी ऐसी। उसके बारे में आपको अभी बताती हूँ मैं। क्या मैंने आप में देखा और क्या है, मैं जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, या आप खुद महसूस करें कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस जो अभी आप कर रहे हैं, या क्या आपको चाहिए क्या, और अगर जो चाह रहे हैं क्या उसी के अकॉर्डिंग आप सोच भी रहे हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोच भी है, क्या सही हैं आप, कहाँ पर कितने गलत हैं और कहाँ पर कितने सही हैं, अभी हम इस रीडिंग से पता लगाएंगे। ठीक है, तब तक मैं आपसे कहूंगी कि आंखें बंद कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी का आवाहन कीजिए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो यूनिवर्स तक जाने वाली है बहुत ही पॉजिटिव हो। चलिए, मैंने दो पाइल्स रखे हैं, ठीक है। इन दोनों में से आप अच्छे से देख लीजिए आप दोनों को कौन सी अट्रैक्ट कर रही है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कीजिए और अच्छे से मतलब मेडिटेट करके इसे चूज कीजिए कि क्या है आपकी एनर्जी, आपको बताया जाए। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे चूज कीजिए, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो बहुत कुछ क्लियर होगा आज हमारे यहाँ पर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही परेशान कर देने वाली हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे कि मैं इस पायल को, अगर आपने ये चूज किया है तो देख लीजिए। फर्स्ट पायल, इसकी मैं रीडिंग आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ और देखते हैं कि क्या है आपके मन में। के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। मूव ऑन होना चाहती है लेकिन उसकी आत्मा क्या कहती है और दिल क्या कहता है। दिल कहता है मेस्क्लिन से उसको जो कहना है, उसके मन की आत्मा की सोल की आवाज है कि हो प्यार की कातिल, प्यार की दुश्मन, लाख बनी ये दुनिया दीवानी, हो हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है क्यों। वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स, तो मजा आ गया। तो अभी अभी जो कार्ड गिरे हैं वो इकट्ठे एकदम से मेरे हाथ से गिरे और शॉक्ड में ये क्या क्या है ये कार्ड्स। अभी तक की जो जगलिंग चल रही थी, मैं दिखाती हूँ आपको, कार्ड्स दिखाती हूँ। जगलिंग चल रही थी बहुत सारी चीजों में, चेंज आया आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में बहुत चीजें ऐसा हुई, मतलब झगड़े वगड़े, या फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो अलग थी, अजीब सी, आपको लगी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा था। लाइफ में चेंज आने के लिए कुछ चीजों का खत्म होना बहुत जरूरी था। अब देख रहे हैं क्या है। डेथ, डेथ का मीनिंग हमेशा ये नहीं होता कि चीजें खत्म हो जाना, डेथ का मीनिंग ये होता है कि अंत ही आरंभ है। माँ काली के ये वचन हमेशा याद रखिए कि अंत ही आरंभ है। जब किसी इंसान की मौत होती है, जब कोई इंसान इस शरीर को छोड़कर जाता है, तो उसकी जो आत्मा है वो नए शरीर को धारण करती है, इसीलिए ये डेथ होती है।
है ना। तो डेथ के बाद जो जर्नी होती है वो क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग होती है, एक नया बच्चा जन्म लेता है, नए विचारों के साथ, नए विचारों के साथ, नए तरीके से हर चीज को भूल चुका होता है, जो भी चीजें पीछे गई वो पास्ट खत्म हो जाता है। तो उस वक्त पर एक डेथ के बाद एक ऐसा न्यू बिगनिंग होती है जो लाइफ बिल्कुल पिछली लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके अगली लाइफ में एंटर करता है जब इंसान, तो तब उसे कुछ भी मालूम नहीं होती, बहुत सारा अनकंडीशनल लव और बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो न्यू होती हैं, सब कुछ नया, नए तरीके से कुछ नया शुरू होना। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, वो भी कब है, जब डेथ हो जाती है, जब खत्म हो जाती हैं चीजें और फिर उसके बाद स्टार्ट होती हैं क्या, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, बहुत सारे इमोशनली जो अटैचमेंट में, प्यार में, एक प्योर प्योर सोल होता है, उसी तरीका इसी इसके बाद डेथ के बाद ये चीजें हुई। जो आपके पर्सन हैं या आप दोनों ही इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में हो, बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार है मन में, पर उस चीजों से निराश हो, आपको ऐसा लगता है कि चीजें, मतलब प्यार है, सब है, लेकिन कुछ भी नहीं है, है ना। जैसे छोटे से बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं होता, वो रोता रहता है, रोता रहता है अपनी मम्मी की गोद में बैठने के लिए, है ना, उसको सिर्फ उसका ही स्पर्श समझ आता है अपनी माँ का। इसी तरीके का एक मेस्कुलिन को हमेशा अपनी फेमिनाइन का स्पर्श ही समझ आता है। और अब उसे किसी भी चीज का नहीं मालूम, ना किसी दिन दुनिया का मालूम है, ना किसी सेकंड पर्सन का मालूम है, ना कोई थर्ड पर्सन का मालूम है, यहाँ तक कि वो अपने पापा को भी उतना, उस स्पर्श को भी इतना नहीं जानता जितना वो अपनी माँ के स्पर्श को जानता है, एक बच्चा, है ना। तो उसी तरीके से जब एक मैस्कुलिन होता है, जो वो हमेशा अपनी फेमिनाइन को ही पहचानता है, अपनी फेमिनाइन को ही ढूंढता रहता है, अपनी फेमिनाइन के लिए इधर उधर भागता रहता है, और जब वो पूरी तरह से अंदरूनी तौर पे सिर्फ उस प्रेम के लिए भागता है, उस प्रेम को महसूस करना चाहता है, तो तब क्या होता है, वाह, अपने हर नेगेटिव विचार को पीछे छोड़कर पॉजिटिविटी में आगे बढ़ता है और भाग के चला आता है अपनी फेमिनाइन के पास, क्योंकि अपनी ही सोल से इंसान कितना दूर रह सकता है, कितना दूर रह सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू फेमिनाइन, आई एम प्राउड ऑफ यू जिन्होंने ये पायल चूज किया है। इस फेमिनाइन ने अपने आप पर, अपने इनर वर्क पर बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशंस की है, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशंस में किस तरह से होनी चाहिए, कितनी प्योर होनी चाहिए, किस तरह से आप उस मैनिफेस्टेशंस को निभा रहे हैं, ये जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को क्लियर करते हो, आप अपने अंदरूनी तौर पर किस तरह से हो, बाहर का आपका बिहेवियर क्या है, ये कुछ मायने नहीं रखता। यूनिवर्स को हमेशा अंदरूनी चीजें समझ आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स हमारे अंदर समाया हुआ है, हमारे अंदरूनी तौर पर जो चीजें हैं वही है असली यूनिवर्स। लोग बाहर देखते हैं, बादलों में देखते हैं, इधर उधर यूनिवर्स नहीं है, इधर उधर उनके सिर्फ इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं, लेकिन असल में जो अपने भीतरी भीतर जाता है, अपने अंदर की जागृति करता है, उसे ही समझ होती है कि यूनिवर्स कहाँ बैठकर आपको सुनते हैं, यहां बैठकर सुनते हैं। आपके अंदरूनी, आंखें बंद करने के बाद जब आप चीजों को अंदर उतारते हैं, तब आपकी मैनिफेस्टेशन सुनाई देती है। तो जब इंसान मुंह से बोलकर क्या कह रहा है, किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, अगर वो ऊपरी तौर पर कुछ नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो चीजें बहुत मायने रखती हैं, भाव बहुत मायने रखते हैं। तो आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने मैस्कुलिन को, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े जहां पर ये लिखा गया कि हमें नहीं चाहिए, अब ये है वो है, बहुत कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि आपको एक पर्सन ने अपने स्वार्थ के चलते आपको आपकी डिजायर पूरी नहीं की, इसलिए आपको नहीं चाहिए, है ना। आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, मैं मानती हूँ ये चीजें हैं, लेकिन आप प्योर हैं। तो जब कोई इतना प्योर हो जाता है, प्योर एनर्जी में जाकर आप कुछ भी मांगोगे, नॉर्मली तौर पर भी आप भगवान से जब कुछ मांगते हो तो वो देते ही हैं। प्रकृति, नेचर क्या है, नेचर महाकाली है, भद्रकाली है ना, तो वो आपको सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, लेकिन आप क्या मांग रहे हो, क्या सोच रहे हो, कथनी करनी में आपके क्या अंतर है, ये आपको खुद नहीं मालूम होता।
तब आप कहते हो कि भगवान तो सुनते ही नहीं है, लेकिन आप देखो अपने आचरण को, देखो आपकी चीजों को, देखो जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो तो आपको समझ आएगा कि भगवान ने हर तरह की चीज पूरी की। चोर ने कहा कि मुझे चोरी करते कोई देखे ना, भगवान ने सुना, उसने चोरी की, आराम से भाग गया, किसी ने नहीं देखा। अच्छे पुजारी ने कहा कि मैं तुम्हें मान रहा हूं, ये कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो मुझे सब संसार देखे और समझे, तो यूनिवर्स ने वहां पे उनका, मतलब अपने अपने तरीके से जो थॉट्स आप क्लियर करते हो अंदरूनी तौर से प्योर होके, जो सोचते हो वो काम करते हैं, वो बोलते हो वो काम करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ब्लेम क्लेम। जस्टिस हर किसी को मिलेगा, जस्टिस हर किसी को चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा मत मांग लीजिए कि मांगने के बाद आपको पछताना पड़े, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं। इसलिए चीजों को मांगते हुए कभी भी ये मत कहिए, ठीक है बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा होता है, लेकिन जस्टिस भी भगवान ही करते हैं और प्रेम भी भगवान ही करते हैं। जिस इंसान को हम आप मान रहे हो, जिस इंसान का वेट कर रहे हो, उसके अंदर भी वही भगवान बैठते हैं। अगर आप अपने भगवान से एक अच्छे से हैं तो यकीन रखिए भगवान आपके साथ भी, अगर आपने भगवान के साथ अच्छा रिश्ता निभाया है तो आपके साथ भगवान अच्छा ही रिश्ता निभाएंगे। यूनिवर्स, अल्लाह, राम, रहीम, कुछ भी कहिए, लेकिन वो है तो एक ही है ना, तो आप किसी भी नाम से उसको याद कीजिए, उसी नाम से वो आपके अंदर वास करते हैं। तो 11/11 पोर्टल आने वाला है और आप क्या मांग रहे हो? सिर्फ जस्टिस चाहिए, वो बंदा आए ना आए, वो चीजें हो ना हो, ये ऐसे हो जाए, वो हो जाए, थर्ड पार्टी चली जाए, थर्ड पार्टी को, ये थर्ड पार्टी भी कौन है? थर्ड पार्टी के अंदर भी तो वही भगवान वास करते हैं। वो चीजें गलत कर रही है, सही कर रही है, वो अपने कर्म कर रही है, लेकिन आप कर्म क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप ये चीज क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी चली जाए और आप रह जाएं? ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी कौन है? वो भी तो भगवान ही है। वो भी अगर आप इंसान के तौर पे देखेंगे तो आप प्योर कहां से हुए? आपने वही चीजें मांगी जो आपको स्वार्थ था, थर्ड पार्टी ने वही चीजें मांगी स्वार्थ था, है ना? थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है और आप अपना काम कर रहे हो, है ना? आप थर्ड पार्टी क्यों बन रहे हो? आप कार्मिक क्यों बन रहे हो? कर्मों को रिलीज करना है, कर्मों को बनाना नहीं है। अगर ये चीज थर्ड पार्टी नहीं जानती तो आप भी तो नहीं जानते, आप भी तो वही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो जो थर्ड पार्टी करती है। इस चीज को ध्यान से समझिए कि आपको ये मैनिफेस्ट नहीं करना कि किस हमारे साथ जस्टिस हो, दूसरा ये वो वगैरह, है ना? आपने सिर्फ ये कहना है कि जो भी हो रहा है हमें जस्टिस चाहिए, है ना, और कर्मास रिलीज करने हैं। उधर थर्ड पार्टी के कर्मा आप गिन रहे हैं और आप अपने गिन ही नहीं रहे, आप ऊपरी तौर पे क्या काम कर रहे हैं वो ठीक है, जस्टिस मांग रहे हैं, अपने प्यार से जस्टिस मांग रहे हैं, भगवान से जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन आप ये चीज क्रिएट नहीं कर सकते कि थर्ड पार्टी चली जाए, वो कार्मिक है, वो कार्मिक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, आप ट्रू लवर होंगे, आप प्योर सोल होंगे, लेकिन किसी सेकंड से पूछिए वो इंसान आपको कार्मिक कहेगा, क्योंकि आपके भी तो कर्मास थे तभी तो यहां पे हो, आपने भी तो कुछ ऐसे कर्मास क्रिएट किए हैं कि आप यहां हो, तभी तो वो थर्ड पार्टी आपको कार्मिक मान रही है, थर्ड पार्टी आपको कार्मिक कह रही है। तो इसलिए कोई भी उस लेवल को नहीं नाप सकता, है ना? मैं सेकंड पायल वालों की ये रीडिंग करने जा रही हूं, जो हमने पिछली रीडिंग की थी उसके मैं जोडियस साइन बताती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियंस और पाइसिस वालों ने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, यूनिवर्स खुश है आपसे। ओके, तो ये है सेकंड पायल, हम देखते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहती हूं कि अपने मैनिफेस्टेशंस को सही कीजिए, ठीक है? क्योंकि यहां पर यूनिवर्स आपको अच्छे से सुन रहा है, हर किसी को सुनता है। राजा बलि ने जब वामन अवतार में, जब विष्णु भगवान जी उनके पास गए, तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए? जस्ट ए सेकेंड। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू यूनिवर्स, आप पे तो सब पे प्राउड करना है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया फेमिनाइन, आप सबने कमाल कर दिया। इस वक्त पर 99
मैं कहूंगी 100% लोगों ने बहुत ही अच्छा इनोवा किया है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद ही मैं बताऊंगी कि आपको क्या है, ये आपके कार्ड्स क्या है, ये पनिशमेंट मिल गई आपको, सुननी ही पड़ेगी अब तो। तो अभी कहानी सुनाऊंगी मैं, छोटी सी है लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती है। विष्णु भगवान जी ने जब राजा के पास जाके बोला कि मुझे इतने पग धरती चाहिए, है ना, तो उस वक्त पे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मतलब एक पग यहाँ पर एक यहाँ पर रखवाया है ना, तो उन्होंने कहा अब राजा को मालूम पड़ गया कि ये विष्णु भगवान जी हैं, है ना। जब वो वहां पे पहुंचे तो वो बहुत ही सुंदर क्यूट से बच्चे के रूप में पहुंचे थे, एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे थे, ऐन खड़ी हुई थी। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उसको वो बच्चा बहुत ही क्यूट लगा, इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि उसके मन के अंदर ऐसे भाव आए जैसे मातृत्व के भाव, और उसका मन किया कि काश ये मेरा बेटा होता, काश मैं इसको अपनी गोद में लेकर एक माँ वाला सुख, मतलब एक माँ की तरह इसका लालन पालन करती, इसको अपना मतलब एक मातृत्व प्रेम दिखाती और अपना दूध भी लाती। तो जब ऐसी मैनिफेस्टेशंस की तो वो भगवान थे, विष्णु भगवान थे, और उसके इस थॉट्स में इतनी क्लैरिटी थी और इतने अच्छे भाव थे कि उन्होंने कहा तथास्तु। हालांकि उसके भाव ही थे, उसने बोला नहीं था, उन्होंने बोला तथास्तु क्योंकि वो सुन रहे थे उनके भाव। तो सबसे पहले तो हमारे थॉट्स, बहुत जो हम अंदरूनी तौर से आत्मा से प्योरिटी से सोचते हैं वो पूरा करते हैं भगवान, हमेशा करते हैं। लेकिन देखिए कि आपके अवचेतन मन के अंदर क्या चल रहा है, कभी डुअल माइंड तो नहीं है, कुछ दूध के साथ जहर तो नहीं घुला हुआ। जिस तरह से जब उसने ये कहा तो विष्णु भगवान जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारी मुराद ये पूरी हो। लेकिन जब वाली राजा से उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए बोला तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, कहाँ से दूं आपको स्थान, इतना बड़ा पैर कर लिया उन्होंने। तब बोला आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने सर पे रखा तो राजा खत्म हो गया, मतलब मर गया वहीं पे, ठीक है। तो जब वो मरा तो उसकी बहन के मन में आया कि मैंने अभी ये सोचा था कि ये बच्चा मेरा हो और मैं इस तरह से इसे मातृत्व प्रेम दूं, लेकिन ये इतना इस तरह से निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि उसको मैं दूध में जहर मिला के पिला देती अगर ये मेरा बच्चा होता तो, इस इतना ये बेकार लग रहा था। अब उसके मान भाव इस तरह से हो गए थे क्योंकि उसका स्वार्थ, उसके उसके तरीके से वो चीजें नहीं थी, मतलब मटीरियलिस्टिक वो लाइफ देख रही थी कि उसको लगा कि मेरे भाई को मार दिया, तो उसके मन के भाव हो गए कि अब भगवान भी है तो मुझे नहीं चाहिए इसको, तो भगवान करे मैं दूध में जहर पिला दूं। तो तब भी विष्णु भगवान जी ने कहा तथास्तु, जहर ही सही। तो इस तरह से उसकी दोनों ही विश पूरी कर दी, अच्छी भी। अब उसके हिसाब से तो उसको मातृत्व का भाव आया था, तो उसकी माता, अब वही जब उसकी मृत्यु हुई उसकी सिस्टर की, तो अगले जन्म में क्योंकि उसके भाव पहले मातृत्व प्रेम के हो गए और फिर उसके बाद एक राक्षसी के हो गए, मतलब नेगेटिविटी के, नेगेटिव विचार हो गए, तो उसको जन्म मिला पूतना का। जो पूतना थी वही वाली राजा की जो सिस्टर थी, उसको पूतना का जन्म मिला। और पूतना ने जब अपना मातृत्व प्रेम दिखाने के लिए श्री कृष्ण को आई और अपने दूध में मिलाकर उनको जहर पिलाने लगी तो वो उसकी दोनों ही इकट्ठी विश पूरी हो गई ना, उसको वो मातृत्व वाला भाव भी उसका पूरा हो गया, लेकिन उसने जहर पिलाना था तो उसने वो काम भी कर दिया। अब दोनों चीजें भगवान ने पूरी की, लेकिन अब ये देखो ना, राक्षस और पॉजिटिविटी दोनों इकट्ठी हो गई। तो अब आपको देखना है कि आपने क्या मांग लिया है, कभी ये ना हो कि दोनों ही चीजें मिल जाए, है ना। तो दोनों चीजें मिल गई तो फिर तो आप कहोगे, अब फिर कहोगे कि लो भगवान हमने तो ये मांगा था, अब ये साथ में ये चीजें भी दे दी। तो ध्यान रखिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके अवचेतन मन के अंदर क्या चल रहा है, ये चीजें ध्यान कीजिए। तो ठीक है ना, किस तरह से अब आपको मैनिफेस्टेशंस करनी है आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके क्या हैं कार्ड्स, यूनिवर्स कह रहा है वाओ आप राइट पाथ पे हो। आपको अभी तक काफी लोगों ने मैनिफेस्ट किया है पैसा, बिजनेस, जॉब, बहुत सारी ऐसी चीजें, क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ अबंडेंस आने वाली है बहुत लोगों के पास, एक ऐसी लाइफ, निराली लाइफ जो जिसमें आप इस तरह से भरपूर होंगे कि आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफी
फेमिनाइन ने अपने आप से ही एक चैलेंज किया है कि अब हम कुछ बन के दिखाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं। तो वाओ, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त एक लक आपका वेट कर रहा है, जिसमें हर तरह की आपकी अबंडेंस को प्रॉपर पूरा किया जाएगा। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिसके पास हर चीज होगी, हर लग्जरी लाइफ होगी, और यहाँ तक कि आपको जो सेपरेट करना चाहते हैं उनकी क्लास लगने जा रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। इसलिए आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी सुनवाई होगी बहुत ही प्यार से और बहुत ही ढंग से, क्योंकि आपने जो इनर वर्क किया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया है, बहुत ही बेस्ट किया है। वाह, होने जा रही है आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट। वाओ, इसी तरह से लगे रहिए और अपने आप पे काम करते रहिए, क्योंकि मैस्कुलिन का जो मैसेज है आपके लिए वो बहुत ही मेच्योरिटी से अब आपकी साइड आएंगे। बचपना बचकानी चीजें सब खत्म, जो पिछला हो गया वो खत्म, अब जो होगा वो रियल होगा, ट्रू होगा, और कभी ना चेंज हो जाने वाली वो पर्सनैलिटी होगी। और वो आपसे कहेंगे, मर के भी कभी जो खत्म ना हो ये प्यार, वो अफसाना है, तुम भी तो हमारे साथ चलो, हमको तो वहां तक जाना है, वो झूम के अपनी धरती से आकाश जहां मिल जाता है, मिल जाता है तुमसे मिलकर। राधे राधे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने जा रही हूँ वो है कर्माज पे, कौन से कर्म थे, बहुत सी ऐसी डिमांड्स हैं। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे। और रुके रुके रुके, ये जो रीडिंग थी ये रीडिंग्स ऑल साइंस के लिए थी, ऑल जोडियस साइंस के लिए, जो भी लोग ट्रू लव में हैं, अध्यात्म में हैं और प्योर सोल हैं, प्योरिटी से अपने पाथ पे चल रहे हैं। यहां पर कोई भी आप इस चीज को मत लीजिए कि कौन सा जोडियस साइन था, तो ये हर जोडियस साइन के लिए है, ट्रू लवर्स के लिए है।